क्या इंडिया में मॉल्स का कल्चर पूरी तरह से खत्म होने वाला है? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में घोस्ट मॉल यानी अंडर परफॉर्मिंग मॉल्स में 59% तक इजाफा देखने को मिला है। शहरों में खाली पड़े शॉपिंग मॉल्स की संख्या बढ़कर 64 हो गई है। कभी किसी शहर की शान बढ़ाते और लोगों की भीड़ से सजे रहने वाले मॉल्स आज भूतिया से लगने लगे हैं। और तो और, जहां लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के पहले मॉल सहारागंज और दिल्ली NCR के कई शॉपिंग मॉल्स में सिर्फ एंट्री करने के लिए भी लंबी लाइन लगती थी, आज उन्हीं मॉल्स की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि लोग वहां जाना तक पसंद नहीं करते। तो ऐसा क्या हुआ कि जिन मॉल्स को आज की करंट जनरेशन को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया था कि आगे आने वाली नई जनरेशन इन लोकल मार्केट्स की जगह ज्यादा से ज्यादा इन मॉल्स से ही शॉपिंग करेगी, वहीं इस जनरेशन ने ही शॉपिंग मॉल्स को ही डिच करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि इन शॉपिंग मॉल कल्चर की शुरुआत कैसे हुई थी, और साथ ही ये भी बताएंगे कि एक मॉल पैसे कैसे कमाता है, और तो ऐसा क्या खास था लखनऊ के सहारागंज मॉल के साथ जो उसकी डाउनफॉल की वजह बना। ये जो आज बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और कवर्ड मार्केट प्लेसेस हम देखते हैं, जिसमें एक स्ट्रक्चर या बिल्डिंग के अंदर कई ब्रांड्स और इंडिपेंडेंट शॉप ऑपरेट करती हैं, इसका कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है बल्कि ये एंशिएंट टाइम जितना पुराना है। जैसा कि इस्तांबुल में मौजूद ग्रैंड बाजार भी दुनिया के सबसे पुराने और बड़े कवर्ड मार्केट में से एक है, जिसे 15th century में बनवाना शुरू किया गया था, जो कि आज भी पूरी तरह से ऑपरेटेबल है। लेकिन फिर भी ये एक अर्ली कॉन्सेप्ट ही था मॉल्स का, इसीलिए इटली में साल 1877 में बना गैलेरिया विटोरियो को ही दुनिया के ओल्डेस्ट शॉपिंग मॉल माना जाता है, जो काफी हद तक आज के शॉपिंग मॉल्स की तरह दिखता है। इसका स्ट्रक्चर 4 story जितना ऊंचा था और इसकी रूफ पूरी तरह से ग्लास की बनी हुई थी, जिसके बाद वक्त के साथ साथ ये शॉपिंग मॉल का कल्चर धीरे धीरे करके बढ़ता रहा और इन शॉपिंग सेंटर्स के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर्स, फूड कोर्ट्स और दूसरे एंटरटेनमेंट ऑप्शन भी इंक्लूड होते गए। और फाइनली जाकर चेन्नई में लोकेटेड स्पेंसर प्लाजा इंडिया का पहला शॉपिंग मॉल बना, जिसकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर तो साल 1864 में ही बन चुका था, लेकिन साल 1985 में ही इसे एक शॉपिंग मॉल में ट्रांसफॉर्म किया गया। और धीरे धीरे करके शॉपिंग मॉल्स की पॉपुलैरिटी भी इंडिया में काफी तेजी से बढ़ने लगी। मगर कहानी में ट्विस्ट ये था कि इंडिया में 90s और 2000 के पीरियड में शॉपिंग मॉल्स का कल्चर बढ़ने से ज्यादा लोग शॉपिंग मॉल विजिट तो कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन शॉपिंग मॉल में सिर्फ 50% विजिटर ही मॉल से कुछ खरीदते थे, क्योंकि ज्यादातर इंडियन इन हाई क्लास लग्जरी मॉल्स को शॉपिंग की जगह नहीं बल्कि घूमने और एंटरटेनमेंट की जगह ही समझते थे। इसलिए आप अक्सर इंडिया में लोगों को ये कहते सुनेंगे कि वो मॉल घूमने के लिए जा रहे हैं, ना कि शॉपिंग करने। इसी वजह से हालत ये हो चुकी है कि अब तक इंडिया में 64 मॉल्स घोस्ट मॉल बन चुके हैं, जिसमें से 21 मॉल तो सिर्फ दिल्ली NCR के रीजन में ही हैं। घोस्ट मॉल असल में वो मॉल्स होते हैं जिनका वैकेंसी रेट 40% से ज्यादा होता है, यानी कि 40% से ज्यादा शॉप्स वहाँ वैकेंट या खाली होती हैं। इसीलिए कस्टमर भी इन मॉल्स के अंदर जाना पसंद नहीं करते। इसके अलावा जो अगली वजह है इंडिया में काफी मॉल्स बंद हो जाने के पीछे, वो है बड़े और नए ग्रेड ए मॉल्स का खुल जाना। और क्योंकि ये नए ग्रेड ए मॉल ज्यादा एंटरटेनमेंट और दूसरे ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंडिया में लोग शॉपिंग मॉल्स घूमने के लिए जाते हैं, ना कि शॉपिंग करने, इसलिए नए मॉल्स के खुल जाने पर वो पुराने और छोटे मॉल जाना ही बंद कर देते हैं। इन्हीं कुछ वजहों से साल 2023 में डेवलपर्स को 6,000 crore से भी कहीं ज्यादा का नुकसान मॉल्स बंद हो जाने की वजह से हुआ था। अब क्योंकि बात पैसों ही की कर रहे हैं, तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि एक मॉल पैसा कैसे कमाता है। तो हर फिजिकल प्रॉपर्टी की तरह ही रेंटिंग और लीजिंग ही किसी भी मॉल्स का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है, और ये रेंटल फी या तो फिक्स्ड होती है या फिर ब्रांड को फिक्स रेंट के साथ साथ उन्हें सेल में से भी कुछ हिस्सा देना होता है। इसके अलावा मॉल एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल रेवेन्यू से भी काफी ज्यादा पैसा कमाता है। आप जब भी एक मॉल में एंटर करते हो और वहाँ बड़े बड़े बैनर्स और साइनेज देखते हैं, उन पोस्टर्स और बैनर का भी मॉल ब्रांड से अलग पैसा चार्ज करता है। इसलिए घोस्ट मॉल्स में लेस पब्लिक क्राउड की वजह से बड़े ब्रांड्स इन मॉल्स में एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहते। इसके साथ साथ जो मॉल्स कार और बाइक पार्किंग फीस कंज्यूमर से चार्ज करते हैं, वो भी काफी बड़ा हिस्सा होता है मॉल्स के रेवेन्यू का। एक डेटा के हिसाब से साल भर में इंडिया के कई मॉल्स तो 15 crore जितना अमाउंट तक सिर्फ पार्किंग से कमा लेते हैं। जी हाँ, दिल्ली और NCR रीजन में मौजूद 12 मॉल्स ऐसे हैं जो 15 crore तक रेवेन्यू पार्किंग से जनरेट करते हैं। वहीं बाकी दूसरे छोटे मॉल्स भी पीछे नहीं है, वो भी 1.2 करोड़ से 1.4 करोड़ तक का रेवेन्यू सिर्फ पार्किंग से जनरेट कर लेते हैं। अब वापस आते हैं अगली वजह पर, जिनकी वजह से इन शॉपिंग मॉल्स को बंद
बंद होने तक की नौबत आ जाती है, तो वो है राइज ऑफ ऑनलाइन ई कॉमर्स। इंडिया में बढ़ता ई कॉमर्स भी काफी बड़ी वजह है इन मॉल्स के डाउनफॉल का, क्योंकि अब कंज्यूमर किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट बिना ही अपने घर से बाहर जाए सिर्फ उस ब्रांड की वेबसाइट से ही खरीद सकता है। और जो सीरियस बायर्स होते हैं वो इन मॉल्स में घूमने वाले क्राउड से बचने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करना ही पसंद करते हैं, इसलिए मॉल्स को काफी टफ कॉम्पिटिशन झेलना पड़ता है इन ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। इसके अलावा इंडिया में चाहे जितने बड़े और लग्जूरियस मॉल्स खुल जाएं या फिर ऑनलाइन ई कॉमर्स स्पेस जितना भी अफोर्डेबल हो जाए, फिर भी इंडिया में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो शॉपिंग इन ट्रेडिशनल और लोकल मार्केट से ही करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि न सिर्फ इससे हमारी लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद मिलती है, बल्कि एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियंस शॉपिंग मॉल की जगह लोकल स्टोर से इसलिए भी सामान खरीदना प्रेफर करते हैं क्योंकि लोकल स्टोर न सिर्फ 25% तक सामान चीपर रेट पर प्रोवाइड करते हैं, बल्कि लोकल शॉप से वो वैट और जीएसटी जैसे टैक्सेस से भी बच जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली और दूसरे शहरों में कुछ ऐसे लोकल मार्केट्स भी हैं जो बड़े ब्रांड्स के जैसे दिखने वाले हूबहू कॉपी प्रोडक्ट्स 90% से भी कहीं ज्यादा कम रेट पर बेचते हैं, और इन रेप्लिकास और कॉपी प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि कंज्यूमर इसे धड़ल्ले से खरीद भी रहे हैं। और इतने चीप रेट पर ब्रांडेड जैसे दिखने वाले प्रोडक्ट्स अगर मिल रहे हैं तो कोई मॉल क्यों ही जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया में धीरे धीरे कर मॉल का कल्चर कम तो हो रहा है। वहीं अगर पूरे उत्तर प्रदेश का पहला यानी कि लखनऊ का सहारागंज मॉल के फेल हो जाने के पीछे की वजह इनमें से कोई भी नहीं थी, बल्कि उसके डाउनफॉल के पीछे की असल वजह थी उसका बिजनेस मॉडल। जैसा कि आप ये जानते ही हैं कि ज्यादातर मॉल्स शॉर्ट टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर चलते हैं, जिसकी वजह से हर कुछ साल के बाद शॉपिंग मॉल्स के पास लीज कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने पर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसकी वजह से मॉल के कैश रिजर्व्स में कमी नहीं होती। और शॉर्ट टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो स्टोर्स या ब्रांड नहीं चल पाते तो उनकी जगह दूसरे स्टोर ले लेते हैं, मगर सहारागंज मॉल के साथ ऐसा नहीं था क्योंकि उसके बिजनेस मॉडल में ज्यादातर मॉल के स्पेस को लीज आउट नहीं बल्कि पूरी तरह से सेल आउट ही कर दिया गया था, जिसकी वजह से न सिर्फ मॉल्स के पास रेगुलर कैश फ्लो मेंटेन रह पाए बल्कि जो स्टोर्स इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे थे उनकी जगह दूसरे स्टोर्स ने लेने की जगह वो स्टोर्स पूरी तरह से ही शट डाउन हो गए। इसके अलावा आप लोग ये भी जानते हैं कि किस तरह सहारा परिवार ने कैश रेवेन्यू का गलत इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से सुब्रतो रॉय को जेल तक जाना पड़ा था। और तो और सहारागंज मॉल में बिग बाजार, जो कि सहारागंज की सबसे ज्यादा इनकम जनरेट करने वाला स्टोर था, उसके क्लोज होने के बाद पूरे मॉल को बिना ही डिपार्टमेंटल या सुपरमार्केट वाला मॉल बनना पड़ा, जो कि वजह बना उस मॉल की डाउनफॉल की, जहां न सिर्फ मॉल की एंट्री करने के लिए लंबी लाइन लगती थी बल्कि उस मॉल में चप्पल पहनकर जाना तक अलाउड नहीं था। हालांकि अब सहारागंज मॉल को रिलायंस ने तो टेक ओवर कर लिया है, और तो और इस मॉल को दोबारा से रिवाइव करने के लिए रिलायंस ने में काफी ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट किया है, बल्कि सहारागंज मॉल में जो शॉप्स बंद पड़ी थी रिलायंस ने उनको दोबारा से वापस खरीद लिया है, और एक बार फिर से ये मॉल अब लीजिंग मॉडल पर ही ऑपरेट कर रहा है। बस अब ये देखना है कि ये मॉल आज के टाइम पर ई कॉमर्स और दूसरे नए और ए क्लास बड़े मॉल जैसे कि लुलू मॉल से कम्पीट कर भी पाएगा या नहीं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें।